गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर परमात्मा कहते, भक्ति बीज होए जो अंसा, अर्तारों तास के 71 वंशा। ओए होए, जो हमारी सत्साधना पर दृढ़ होकर लग जाएगा उसकी 101 पीढ़ी को पार करूंगा। अपुनात्माओं, अब ये भक्ति स्टार्ट हुई है और इसमें 101 पीढ़ी तक, अब कितना समय बीत जाएगा, लगभग हजारों वर्ष बीत जाएंगे। तो आज आप जी ने यो बीज बो दिया भगवान की सत भक्ति का, क्योंकि आज बुद्धिमान समाज है, सब ग्रंथों को समझता है, इस ज्ञान को दृढ़ होकर ग्रहण करेगा, फिर विचलित नहीं हो सकता। चाहे यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आकर आपको, आपसे चर्चा करें ज्ञान की, आप उनको पराजित कर दोगे, आप भ्रमित नहीं हो सकते। तो ऐसे दृढ़ भक्तों के 101 वंश पार होंगे। अपुनात्माओं, जैसे इस सत्संग में रह रहकर हम बताते रहते हैं कि जब ये चौथा युग आता है कलयुग, और कलयुग की अब पिछली पीढ़ी होती है, तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था करवाते हैं, स्वयं आते हैं या इस दास जैसे अपने दास को भेज देते हैं, और सत भक्ति को प्रारंभ करवाते हैं, वो सभी नाम प्रदान करवा कर या भक्ति शुरू करवाते हैं। तो कोई 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष, क्योंकि इसका स्वभाव है परमात्मा का, ये दुख नहीं देता, सुख ही सुख देता है। पुनात्माओं, जो सुख में पहले से भी सुखी थे और परमात्मा की चार पूर्व जन्म के पुण्य अधिक थे, जिस कारण से इस शरण में आ जाते हैं, और वो कुछ दिन लगते भी ठीक ढंग से हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष सत भक्ति ठीक करते हैं, फिर उनमें स्वाभाविक है कोई ना कोई कुछ दिनों में, क्योंकि ये ज्ञान सुनकर सबको याद हो जाएगा 5-4 वर्ष में, 2-3 वर्ष में, और फिर क्योंकि ये तो आखिरी सांस तक का ट्रीटमेंट है, आखिरी सांस तक ये जाप मंत्र रहनी करनी या मर्यादा रखनी पड़ेगी, तो फिर वो क्या करते हैं, बीच में गड़बड़ कर जाते हैं, धीरे धीरे वो मर्यादा तोड़ना शुरू कर देते हैं, लोक लाजमाक है। फिर उनको कोई आपत्ति भी नहीं आती, क्योंकि पहले भी संस्कार अच्छे थे और फिर भी सतभक्ति 2-3 वर्ष उन्होंने अच्छी कर ली, तो वो पुण्यों का ढेर हो गया, इस कमा भक्ति की कमाई का ढेर हो गया उनका, तो फिर वो धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं, और फिर भी कोई आपत्ति नहीं आती क्योंकि वो पुण्य चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो नाश कर लिया सारे जीवन का। तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको सारनाम नहीं मिलता, केवल सतनाम तक वो रह जाते हैं, तो वो फिर इस काल के जाल में फंस जाते हैं, काल इनको ले जाता है। प्रथम मंत्र आप जाप करते हो, इनमें उन यहाँ के देवताओं की भी कमाई है, इनका मजदूरी है, वो धन बहुत इकट्ठा हो जाता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा का जाप आपको दिया जाता है या मजदूरी दी जाती है, तो इस कमाई के आधार से आप कोई जाएगा विष्णु के लोक में, पहले ब्रह्मा के लोक में गए उस प्रथम मंत्र के जाप की कमाई से, जो ब्रह्मा के जाप की कमाई है, वहाँ पूंजी समाप्त की, उसके बाद विष्णु जी के लोक में स्वर, वहाँ देवता बन जाते हैं, फिर उस मंत्र की कमाई जो आपको दी जाती है प्रथम मंत्र में, 7 मंत्र हैं, प्रथम और लास्ट वाला मंत्र आपका, ये कबीर पर उस सतपुरुष की भक्ति की कमाई है, और बाकी जो बीच के मंत्र जो हैं ये इन देवताओं के जो आपको दिए हैं इनके मंत्र हैं,
उसके बाद शंकर भगवान की का जो मंत्र दे रखे है, उस मंत्र की कमाई भक्ति से शक्ति से आप शिवलोक में चले जाओगे, वहाँ गण बन जाओगे, वहाँ पता नहीं अच्छे अच्छे देवता बन जाओगे, फिर वहाँ पूंजी समाप्त होने के बाद गणेश के लोक में जाओगे, सिद्धियाँ हो जाएंगी, वहाँ आकाश में घूमना सैर सपट्टे करना, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, उसके बाद फिर कहाँ जाओगे, सतनाम के प्रथम मंत्र ओम मंत्र के जाप से आप ब्रह्म लोक में जाओगे, वहाँ इंद्र भी बन सकते हो, महाइंद्र भी बन सकते हो, देवता भी बन सकते हो, अपनी पूंजी को ओम नाम की कमाई को वहाँ बर्बाद करोगे। उसके बाद रह गया वो सतनाम में दूसरा मंत्र, दो अक्षर का जो जाप है, एक दूसरे अक्षर का जो जाप है, उसकी कमाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके आधार से फिर आप वो परमात्मा से विमुख प्राणी कहाँ जाएगा, इस काल ने एक नकली सतलोक अलखलोक अगमलोक बना रखे हैं, तो उन लोकों में उस ब्रह्म लोक की सबसे उत्तम सुविधाएं हैं और ज्यादा उनकी चार्जेज हैं, लेकिन यह कमाई इतनी हो जाती है कई हजार युगों तक भी समाप्त नहीं होती है। तो उन ही जो अब वर्तमान में साधना करके भगवान इस मार्ग से विचलित हो जाएंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी ये बना को देता है, कमाई उनकी होती है और पाप ये कमाते हैं। शंकर संहार करे, बता के ठेका ले रहे क्या शंकर जी मानस मारण का, और विष्णु जी यहां रोके रखे, तो ये सारे पाप इनके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे। जैसे श्री रामचंद्र जी भेज दिया पृथ्वी पर काल ने, क्योंकि इनके पाप भी तो इतने बनवाने हैं, रावण गेल लड़ाई हुई, सीता ठुआ दी, रावण गेल युद्ध हुआ, करोड़ों आदमी मर गए, तो रामचंद्र के बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे वह, क्योंकि उसकी पत्नी को छुड़वाने के लिए नाश हुआ था। ऐसे श्री कृष्ण जी को यहां भेज दिया, जरा सिंह मारा, फलाना मारा है, और फिर पता नहीं कितनी गलतियां करवा देता है। 16,008 पत्नियां श्री कृष्ण ने ग्रहण करी, तो इनके कति कर्म फड़वा के, और जब इनकी वह दूसरे मंत्र की कमाई भी नाश हो लेगी, फिर इन्हें ठा कर पृथ्वी पटक देता है। गुणात्मा इतना भयंकर जाल है, ये जीव के समझ की बात नहीं, परमेश्वर ही समझा सकते हैं, कबीर परमेश्वर की ही रजा से ये अपनी बुद्धि में अब आन लगी है, निमारी बुद्धि बहुत संकीर्ण थी। तो कहने का भाव ये है, जो दास आपको निष्कर्ष बताना चाहता है कि ये जो समय है भक्ति का, इसमें ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और अब ये बिजली पेड़ी हजार वर्ष तक रहेगी, हजारों वर्षों तक चलेगा ये तत्व ज्ञान, इस दौरान जो पार हो गया तो हो गया, ना रहे फिर बात नहीं बिगड़ेगी, फिर बात नहीं बन पाओगी कई युगों तक। अब कहने का भाव ये है कि जो जिनको सारनाम प्राप्त हो गया और वो भी इसी तरह विमुख हो गए, जो हो जाते हैं गुरुद्रोही, एक तो गुरुद्रोही होकर जाता है नखरे करके, तो वो यहाँ से गुरुद्रोही हो गया, जो बिल्कुल किसी कारण से गुरु जी में दोष निकाल कर चला जाता है, फिर 100 जगह बकवाद करता है, वो तो गुरुद्रोही, उसको तो असंग जन्म मनुष्य जीवन ही मिल सकता, उसकी सारी कैंसिल कर दी जाएगी यहाँ की कमाई। और ऐसे जो से पहले प्रोसीजर से वैसे ही वो हट गया, चला गया, फिर नहीं आया, मतलब गुरु जी में दोष मन में स्वाभाविक नहीं आया, ऊपरले मन तो नहीं, अपने आप ही नहीं आता उनके, और वो वैसे संसार समाज में फिर विचलित हो जाते हैं, तो उन भोली आत्माओं को परमात्मा, यहाँ एक मिनी सतलोक है, जैसे राजदूत भवन होता है प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा का एक गुप्त स्थान है, वहां पर रखता है इन सब जीवों को बीज रूप में, और वहां उसमें परमात्मा के उस लोक में जीव की अपनी कोई कमाई भक्ति की नष्ट नहीं होती, तो वो कई युगों से वो वहां स्टॉक है,
अब आप जी को परमात्मा ने ये ज्ञान देके आपका खेत संवार दिया और इब इसके अंदर बीज बो दिया भक्ति का। आपके घर पर जो संतान अब आवेगी या वर्तमान में आपके साथ है तो आप जी का कर्तव्य अपने आप बन जाएगा कि उनको आप भक्ति मार्ग पर लगाओ। लगेंगे वो, क्योंकि ये सारा खेल परमात्मा कर रहे हैं। आप जी को मनमाने किसी पुण्य आत्मा जो पहले आपके घर भेज रखी है मालिक ने, उसको शरण में लेने के लिए ही आपके तक ये संदेश पहुंचाया हो। फिर आने वाले जो बच्चे आज आपके हैं उनका फिर आगे संतान होएगी तो वो स्टोक में आया करें, आवेंगे सारे के सारे। उनके पहले के पुण्य इतने होंगे या किसी चीज का अभाव उनको नहीं होगा। और उन जो उनके माता पिता होंगे उनको उन बच्चों की कोई चिंता नहीं रहेगी, वो भक्ति बाधक नहीं बनेंगे। और माता पिता भी सत भक्ति करते रहेंगे, बच्चे भी सत भक्ति करते रहेंगे और ऐसे 101 पीढ़ी तक। परमात्मा कहते हैं भक्ति बीज जो हो वह हंसा तारों तास के इकोतर वंशा। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंप नहीं उधर जात है वंश। यम किंकर काल के ये दूत, ये उस आत्मा के निकट नहीं आओगे जो कबीर परमेश्वर का हंस है। और कहते तेरा खानदान पार हो जाएगा और उद्धार हो जाएगा। दर्द बंद दरबेस है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं टूटे जम जंजीर। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, कोट 49 पृथ्वी ही 14 भवन आधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं तीन लोक तत्सार, दो चार की के चलिए उधर हंस अपार। न जाने कितने पार हो जाएंगे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। पुण्यात्माओं ये एक ऐसा अनमोल ज्ञान है परमात्मा ने जो दिया है कि एक बार अगर हम सीधे यूं कहें कि जैसे दूसरे संत हैं राधा स्वामी पंथ के, इनके गुरु भूत बन गए, ये झूठे गुरु थे, तो कोई नहीं माने इस बात ने। नो कहे रामपाल तो मेंटल है, सबकी आलोचना करता है, अपने आप को पता नहीं ये क्या समझता है। पुण्यात्माओं ना तो रामपाल मेंटल है और ना अपने आप को कुछ समझता, अपने आप को दास समझता है। लेकिन इस दास को एक अनमोल खजाना मिल गया है और मेरा परम कर्तव्य बनता है कि संत अज्ञान को हटाऊं। राधा स्वामी पंथ का अब परमात्मा की वाणी आपने पढ़ी है कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान और झूठे गुरुआ मर गए वे हो गए भूत मसाने। एक राधा स्वामी पंथ के व्यक्ति श्रद्धालु से हमारे भक्त का डिस्कशन हुआ तो वो कहने लगे कि हजूर साहेब कहें ये परम धनी वो शिवदयाल जी जो फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ है, यानी राधा स्वामी का प्रवर्तक। तो राधा स्वामी का श्रद्धालु कहने लगा कि शिवदयाल जी महाराज जो थे वो परम धनी थे, पूर्ण पुरुष थे और उन्होंने ही सतलोक की का भेद खोला, उससे पहला किसी ने नहीं खोला। तो वो भक्त कहने लगे भाई क्या आपके परम धनी इस कलयुग से पहले किसी युग में आए का कोई प्रमाण है? वो कहने लगे ना, इससे पहले का तो कोई प्रमाण नहीं।
और कबीर जी चारों युगों परमान प्रमाण है, चारों युगों में आए। सतयुग में सतसुक रित नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। तो फिर तेरे परम धनी पहले कहां सोवे थे भाई, अगर ये परम धनी थे तो चुप हो गया, कहां पहले तो ना है भाई। तो यहां परमेश्वर की महिमा को गरीबदास जी बता रहे हैं, सतगुर पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाण, ये झूठे गरुआ मर गए हो गए भूत मसाण। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदाल जी महाराज का जीवनी आपको दिखाते हैं पुण्यात्माओं। और जब तक ये आप नहीं आंखों देखोगे तो आपके इस दास के इस मौखिक वचन का असर नहीं होगा, बल्कि विरोध बन जाता है। ये देखिएगा ये जीवन चरित्र, ये देखिएगा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय जीवन चरित्र, स्वामी जी महाराज लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी। ये सेठ लाला प्रताप सिंह ये शिवदाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधार सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित। 17वीं बार राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद, इतने इतने। ये स्वरूप है उस परम धनी जी का। राधा स्वामी परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। अब देखना इसके 78 पृष्ठ पे आपको एक कहानी है इसकी, इनमें वो 71वां वचन ये दिखाते हैं। इन्होंने गीता की तरह इनके नंबर ला रखे हैं, श्लोका की तरह, इतना ऑथेंटिक ज्ञान मानते हैं ये। ये पृष्ठ नंबर 78 पे 71वां वचन। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की, सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी के से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इनको कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख हो जाती, अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, परम धनी जी हुक्का पीते थे, तरह बोला कबीर जी कहते, अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार। कथा करने के बाद जब जोटा लाया करते, रेस्ट करते फरमाते थे तो हुक्का पिया करते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने को बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता था तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। अपने आत्माओं एक और यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा बीच में उदाहरण देते हैं। ये राधा स्वामी वाले जो श्रद्धालु हैं, ये भ्रमित कर रखे इनके परिचरों ने। वे अपनी दुकान बनाए रखने के लिए ऊट पटांग छुरी बना ली उन्होंने।
अब हमारे भक्त उनसे चर्चा करते हैं तो पूरे गुरु, वो खुद कहते हैं राधा स्वामी वाले के, पूरे गुरु से मोक्ष होता है। पूरे गुरु की पहचान क्या होती है? प्रथम पहचान तो राधा स्वामी वाले बताते हैं कि पूरा गुरु जो होता है वो चरण नहीं छुआता, मत्था नहीं टिकने देता, और दूसरा यह है कि वो पैसे का हाथ नहीं लगाता, पैसे नहीं लेता। अब पुण्य आत्माओं, अब इसमें खुद प्रमाण है कि उस परम धनी शिवदयाल जी के चरण का अंगूठा व बुक्की चूसा करती, और वो शंकर रहा होता या वैसे दर्शन दे रहा होता उसमें, और उसके चरणों पर जब मत्था टेकने वाले आते श्रद्धालु, तो उनसे कहा जाता तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस बुक्की ने ना हटाओ। तो उनकी कहाँ तक सच्चाई है वह बात जो कहते हैं कि पूरा गुरु मत्था चरण नहीं छूने देता, तो उनके जो प्रवर्तक थे वो ही चरण छुआया करते थे। रही बात पैसे की, नो कहीं पैसे ना लेते। अब पैसा का दान तो होना ही चाहिए, परमात्मा खुद कहते हैं गीता जी में लिखा है कि जो दसवां अंश गुरु जी को नहीं देते वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। उनको अवश्य चाहिए कि दसवां अंश गुरु को दी जाए, जीवन जन्म सफल कर ली जाए। और जैसे पुण्यात्मा आप जी दान करते हो, आप जी के समक्ष इतिहास है, यहाँ पर खुली किताब है, सब कुछ यहाँ पर फ्री मिलता है, भोजन फ्री है, वस्त्र फ्री है। ये एक ना इधर बिहार साइड के आगे, और हमारा एक भक्त है वो बन गया, वो पहले बाबा जी बन रहा था, उसने काफ़ी जनता को नाम दे रखा था, उसको ज्ञान होया अकबर मैं तो गलती कर रहा हूँ, उसी दिन से उसने सबको त्याग दिया और कह दिया उनको कि मैं भाई तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं गलत साधना बता रहा था, गलत कर रहा था, मैंने उपदेश ले लिया है और तुम भी आ जाओ। तो वहाँ से वो हजारों की संख्या में अपने चेले ले आया था यहाँ पर, तो उन्होंने उनमें विकार सारे न्यों के न्यों, बीड़ी वह पीवें, पान वह खावें, तम्बाकू वह खावें, हैं सारा बिघन, और सारे ऊट पटांग, क्यों उनको भक्ति से लिंक थोड़ा था, उन्हें चिल्ले चिल्ले बनाने थे। तो वो यहाँ आए और यहाँ आकर के अपने मित्रों को फोन कर रहे हैं बाहर खड़े होकर के, अरे यहाँ तो दूध भी फ्री, साबुन भी फ्री, तेल भी फ्री, यहाँ तो रोटी भी फ्री, तो यहाँ तो बस सारी ये फ्री हैं, और भगवान भी फ्री, मोक्ष भी फ्री। अब आइए फिर बुक्की जी का हाल सुनाते हैं आपको, ये देखिएगा, ये वही स्वामी जी का जीवन चरित्र आपको फिर दिखाते हैं उसी स्थान से। ये इसके हम 100 ये अब 79 पृष्ठ पर आ रहे हैं। अब यहां से स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा कहने बैठते, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता था तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी, तब मत्था टेकने वाले को कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। वह बयान किया करती कि जिसमें मुझे ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। उन इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी, या भजन क्यों करा करती, इसमें भूत था पहले भी एक। और जब और ये शिवदयाल जी गुरु ग्रंथ साहेब कबीर साहेब की वाणी आदि पढ़ा करता, पढ़ के सुना करता, और इस वाणी में इतनी शक्ति है कि वो भूतां के जो कर जिस प्रकार मृत्यु लड़ा करे ऐसा दर्द होता है,
जैसे कांटे चो व्याकरण भूता गए, ऐसे इस वाणी का अर्ध दर्द होता है तो वह बेहोश हो जाता भूत। वो पड़ारा तन्यों के वो क्यों भजन करे है, वह बेहोश आई करना भजन जो पड़ी या बुकी वजन करन लागर या भूत नहीं है इसमें भूत। इव्या हो जाएगी ठीक, थोड़े सेट हो जाएगी कुछ दिन में, आप बाज जाइए भूतनी इसमें निकल के। तो कहते हो वजन करा करती, अरे आप गेर रही भूतनी, भूत पड़ा प्रेत है इसके अंदर, वो दुष्ट आत्मा परमात्मा इसका इन्हें घड़ेगा यहाँ से निकालेगा। ये हमारा काम नहीं, ये यहाँ तो एटीमेट, ये तो ऑल आउट है हमारी भक्ति, जो परमात्मा के मंत्र या साधना ऑल आउट है, ये भूत आप पर बाज जाएंगे। इनके भजन का ये हाल था, 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शन का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और दो दो दिन हाजात जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाया करती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज ही पढ़ रहे हैं हम, ये देखिएगा। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा, सबको खौफ हो गया कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेस्तर किया करती थी उसी तरह करो से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी। मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अब यू लेखक कह रहा है, वो प्रताप सिंह छोटा भाई शिवदयाल का, वो कह रहा है कि मेरे पन्नी गली वाले मकान में जैसे पहले वो वहाँ रहते थे शिवदयाल जी, तो उसमें पहले की तरह वो भोग भी तैयार करती थी। मेरे पन्नी गली के मकान में पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेस्तर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। यानी वो चूरमा भी खाते थे और हुक्का भी पीते थे बुक्की माँ के। इब ध्यान से देखना, स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेस्तर करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिर दम तक प्रगट रहे, यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की के जरिए से, बुक्की इंटरनेट बन गई फिर, वो भूत आ गया समय शिवदयाल जी, बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट कर लेती थी, करके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय, लेखक कह रहा है छोटा भाई शिवदयाल जी का, कि मेरे ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाती थी और घबराहट होती थी तो किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बोल भाई, बुक्की जी में टेलीफोन लग गया। फिर अब बुक्की के आगे बुक्की में भूत बैठा शिवदयाल जी, उससे अर्ज करते महाराज हमें ये आपत्ति है, फिर वो भूत फिर बताता उसने, ऐसे तो बहुत से प्रमाण यहां दिखा दें आपको। स्वामी जी महाराज से हुक्म लिया करता था, किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता उसी के मुताबिक बंदा कारबंद होता था। जो भूत आदेश दे देता बुक्की बोला करती, उसमें भूत बोलता था बुक्की के शरीर में। इसी तरह से राय साहब ने भी, ये सालग्राम
राय साहब ने भी मौज की थी, बुक्की के जरिए से दो चार बार हुक्म हासिल किए थे। अपुनात्माओं, कबीर परमात्मा कहा करते, वह सच कहूं तो जग मारण बाजे और झूठ कही ना जाई हो। जब साची कहूं तेनो को मारो मारो यो तो जुलाहा झूठ बोलता है, अशिक्षित है, ये के जाने भगवान के बारे में, और झूठ मैं कह नहीं सकता, ये तो परमा देखो कब फैसला होगा महाराज इन झूठा का। अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि बुक्की के अंदर वो शिवदयाल जी आ गया भूत बनके, क्योंकि नाम उनके थे ही नहीं, ना ये पांचों नाम काल के जानू, इनसे मोक्ष हो नहीं सकता। एक भगत कह रहा था, जी मेरा चाचा अंकल राधा स्वामी पंथ से संबंधित था, लगभग 20-25 वर्ष उसी की साधना करता करता वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और वो दो दो घंटे सुबह शाम खूब बैठ के चादर ओढ़ के ऊपर का चादर डाल के नो बैठ जाता था। जैसे हम तो कई बार नो सोचा करते जीव सहक मर गया ना, हाथ हलाना, बिल्कुल शांत रहना, ऐसा बैठ जाता था। और उसने चूरमा खाने की आदत थी, ओका पिया करता, बीड़ी पीता था, फिर वो मर गया। मृत्यु के उपरांत वो अपने बेटे की पुत्रवधू में, अपनी पुत्रवधू में आकर बोलने लायक गया, भूत बन गया। और वह काफ़ी देर कभी ब्यौस पड़ जा, कभी हाथ पैर पीटन लाग जा, और फिर नो कह मैं थरा काका बोलूँ हूँ, थरा तरा बाप बोलूँ हूँ। फिर वो पूछा ताछी करी सियाने सपटियाँ, तू बोले वह थरा चाचा है इसमें, और इसकी तुम सेवा पूजा करो ना तो थारी गानी कर देगा। तो फिर हम उस कहते हैं उसकी लागे सारे पूजा करन, उसकी एक मंडी सी बनवा दी खेतों में, फिर भी आके वो ऐसे करे। और एक आधी बार वो ऐसी बात बता देता था जो हमारी सच्चाई हो जाती थी। फिर उसने तो तीसरा दिन तो चूरमा चाहिए, और वह उसकी पुत्र वधू पहले बीड़ी कती नहीं पिया करती, हुक्का नहीं पीती थी, और फिर वो हुक्का पीने लगी क्योंकि वो भूत पीवे। और यदि उसकी हम ना इस तरह करते, इब गरीब आदमी रोज चूरमा कित खुआ उसने खागड़ दें, और नहीं जिस दिन दें तो उस दिन होगा थरा नाश कर दूंगा, ईंट का ईंट बजा दूंगा। फिर वो कह रहा था जी ईब आपकी शरण में लाए उसने, ईब उस चाचा राधा स्वामी पांडा छूटा मारा। अब यहाँ परमात्मा कह रहे हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, झूठे गरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। ये प्रमाण है आपके सामने, कहते हैं ऑथेंटिक प्रमाण। परमात्मा जो वचन बोल दिया वो कच्चा नहीं पा सकता, उसमें त्रुटि नहीं हो सकती, वो सटीक ज्ञान है परमात्मा का। झूठे गुरु के आसरे है कदे न उदर जीवे, साचा पुरुष कबीर है आज परम गुरु पीवे, सतनाम के जाप से ये बाजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ये छूटे सभी उपादे। ओए होए, सतगुरु के सिजदा करूं ये कर्म छुटाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करे भाई जम तोड़ेंगे ओठे। अब गरीबदास साहब जी क्या कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा जैसे सतगुरु की जो निंदा करते हैं उनके यम के दूत ही ऐसे दूत मारेंगे, वो काल के दूत में रहेंगे, नरक में जाओगे जो संत की निंदा करते हैं। सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोटे करोड़ों। अपुनात्माओं, यहाँ पर जितनी भी पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी की शरण में आए हैं सभी ने बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ताश खेलना जुआ खेलना चोरी जारी ठगी बकवाद ये सब त्याग दिए। अगर ऐसा जो नहीं करता है और भक्ति भी करता है तो उसको लाभ नहीं होगा, ये पहला नियम है। अब देखो आज अपुनात्माओं हम इन त्योहारों को मनाया करते,
त्योहारों को मनाते थे और क्या करते थे, गुटी सूटी लानी, पी का दारू, फिर बकवाद गढ़नी, बम पटाखे छोड़ने, सारा कोरा प्रदूषण की तरह आग लाग जाए। किसी एक बाल की तरह आँख फूट गई, इकलौता पुत्र था, उसकी आँखों में वो बम छोड़ा, आँख में घुस गया, काना हो गया कति वो बालक। एक बच्चे का हाथ जल गया कति, आंगली काटनी पड़ी, आखिर में गल गया वो। एक भक्त कह रहा था, नोबेला जी यहाँ नाम लिया उसने आके, वो कह रहे थे जी हमने 7 वर्ष हो गए, हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया, क्या कारण? मैंने उनसे कहा ना भाई ऐसे ऐसे नियम है, नोबेला जी मारा तो ऊँ को नहीं मनता त्योहार। क्या हो गया कि प्रत्येक वर्ष 1-2 ऐसी मौत हो जाती है कि हम त्योहार मना नहीं सकते। बताया उसने, एक मतलब मेरी बहन का बेटे वो मर गया, फिर ऐसे भाई मर गया, फिर नो ऐसे रिश्तेदारी में कति निकटतम चोट, फिर चाचा का लड़का मर गया। कहते हैं 7 वर्ष हो गया हमने आज तक त्योहार नहीं मना लिए। अपने आत्माओं जब बिजली गिर जाए जब तो हम त्योहार छोड़ दें, क्या फिर वो उद्देश्य वो कहाँ गए जिसके लिए तुम इतना खाड़ा करा करते। संत बताते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विद ढड़ जा पासावे। नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विद ढड़ जा पासावे, जिनके सिर ते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हासावे। अब नानक साहब जी से पूछा करते, हे संत जी, हे महाराज, आप ये त्योहार वगैरह नहीं मनाते, खुशी नहीं मनाते, आप खुश नहीं नजर आते। तो वो कहा करते थे कि भी अब यहाँ किस चीज पर खुशी मनावे, ना जाने काल की कर डारे किस विद ढल जा पासावे, और जिनके सिर पर मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे। एक लड़के की शादी थी, पहले दिन तो डीजे बाजे नाच, सारी बहन बेटी भाई सब कुछ बहुत मस्तार रहे, दारू पियो और नुखिल खिलो रे। अगले दिन वो बरात में जावे थे कलानोर के पास, उनकी वह गाड़ी एक्सीडेंट होगी, 6-7 मर गए और वो दूल्हा भी मर गया, ईव टक्कर मारन लग रहे। वो कहाँ गई वो डीजे? तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहता है कि इस गंदे लोक में खुशी मनाने की जरूरत नहीं आती, पीछा छुटाने की आवश्यकता है, अपना काम निकाल लो। आज ये होली है, होली का त्यौहार है, आज ये फागुन है, आज के दिन क्या किया जाता है गांव में तो और ज्यादा ही कमाल है। एक दूसरे के कुरडे बना लेंगे, वो मारेंगे बहन बेटियां हैं, और वो उस पर रंग ठोक कर, और कोई गुलाल बंदर सामू करें अंडे सारे दिन। और हम उसी दिन से जिस दिन ये नाम लिया है और बच्चे हमारी शरण में आते हैं, उनको सबको इसके लिए मना कर देते हैं, बच्चे ये भगत के लिए अच्छी बात नहीं, वो भक्त नहीं होता जो बकवाद करे, संत सोए जो सीधा चले, हमने सीधा चलना है, संसारिक बकवादों से हटना है, तभी हमारे अंदर और आम समाज में कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होएगी, इसका बहुत अच्छा प्रभाव समाज पर धीरे धीरे पड़ेगा। तो आज वो दिन है, आप जाके देख लो शहर में गांव में हैं, वहाँ और कईयों के तो ऐसे झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर कई हत्याएं भी हो जाती हैं, आपस में मर्डर हो जाते हैं, और आप जी इस दिन को कहाँ सदुपयोग कर रहे हो? कहते हैं सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोट, और इसे सतगुरु की जो निंदा करे फिर काल जब तोड़ेंगे होठ। कहते हैं ऐसे संत ने भी बिसरा में बुंडे बोले, उनकी ब्रान माटी करेगा, फिर यम के दूत संवारेंगे उन्हें। सतनाम के जाप से बजे अनहद नाद, तोबा परमेश्वर कबीर की ही छूटे सभी उपादे। परमात्मा कबीर जी की दया से ये सब बकवास छूटेंगी। अब क्या बताते हैं, गरीबदास साहिब जी आंखों देखा
धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ओ अपुनात्मा, आपको भी बताया था कि जैसे कुछ भक्त ऐसे हैं दो चार वर्ष सत भक्ति करके और खिसक जाते हैं, वो वैसे स्वाभाविक टल जाते हैं भोलेपन में, सत्संग ना सुनने से सामाजिक रंग चढ़ जाता है, कोई बात नहीं। फिर वो कहाँ जाते हैं, जैसे प्रथम मंत्र के जाप से, आपको पहला नाम दे है ना, मैं उसमें सात मंत्र हैं, तो उसमें ब्रह्मा जी की भी मजदूरी है, विष्णु जी की भी और शिव जी की भी, दुर्गा और गणेश जी के भी जाप आपको दिए जाते हैं, क्योंकि ये भगवानों का यहाँ तक कब्जा है इस शरीर में। तो हम जीव जो है यहाँ हृदय कमल से चलते हैं, मूल कमल में जावांगे नीचे गणेश जी के में, वहाँ से अपना अकाउंट क्लियर कराते हुए फिर हम यहाँ आएंगे, ये यहाँ पर बैक साइड में दुर्गा के लोक पर, यहाँ से फिर आगे जाएंगे त्रिकुटी पे। तो यहाँ जाने के लिए हमें नीचे के सारे नोड्यू सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे। तो संसारिक जो कार्य कार्य है, यहाँ की सुविधा भी आपको इन मंत्रों से प्राप्त होती है। तो इन मंत्रों के बचे हुए जो अपार नहीं हुए, क्योंकि वो टल गए, सतगुर विमुख हो गए। कहते हैं मानुष जन्म पाके खोए और सतगुरु विमुखा युग युग रोए। जो सतगुरु से विमुख हो जाते हैं, यहाँ से टल जाते हैं, निकल जाते हैं कुछ देर साधना करके, फिर वो कहाँ जाएंगे, जो गुरुद्रोही नहीं हुए, गुरुद्रोही की तो उस पर कैंसिल कर देता सदा के लिए, सारी साधना नष्ट हो जाती है उसकी। तो वो कहाँ जाते हैं, विष्णु जी के जाप के आधार से विष्णु जी के लोक में, शिव जी के मंत्र का जाप के आधार से शिव जी के लोक में, गणेश जी के लोक में। तो वहाँ जाकर यदि ये ज्ञान उसके हृदय में समाया हुआ है, उसको वहाँ जाकर याद आवेगी मैं तो गलत आ गया, मैं तो यहाँ तो मेरी पूंजी बर्बाद होएगी, मेरा नाम कमाई नष्ट होगी, ये बात ये ज्ञान वहाँ भी याद आओगा आपके। तो इतने दयालु हैं ये परमात्मा, कहते वहाँ भी यदि तूने मुझे याद कर लिया आत्मा से रो के, कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो वे। वहां से भी कहते छुटवा के ले आऊंगा तेरे को नालायक, और फिर इस भक्ति युग में फिर जन्म देंगे, सटोक में रख लेंगे परमात्मा उनको भी। तो क्या बताते हैं, धर्म राय दरबारे में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ये धर्मराज के पास जाके परमात्मा वहां पहुंचे, धर्मराज कुर्सी छोड़ के अपना तख्त छोड़ कर खड़ा हो गया और परमात्मा डांट मार रहे हैं गरीब दास को ये दिखाने के लिए, कदे मैं तने निरा बाबा जी लगता हूं अब, क्योंकि आंखें देख ले आदमी जब दर्द हो है करे तो भाई और बात है, तो फिर उसकी तभी गुण गाए जाते हैं। बोले पुरुष कबीर से धर्म राय कर जोड़े, तुमरे हंस न चंप हूं दो ही लाख करोड़, मदहारी जारी न राये भांग तमाखू खाही, पर दारा पर घर तक जिनको लो अकना ही। धर्म राय विनती कर सुनियो पुरुष कबीर, जिनको निश्चय पकड़ हूं जड़ हूं तोक जजीर। अब क्या है कि वहां कबीर परमेश्वर ने कहा उस धर्मराज को, जैसे डांट मारता ना बड़ा अधिकारी अफसर छोटे अफसर पे, बहुत छोटे अफसर पे, एसपी एसएचओ पे, जैसे उसको हिदायत देते हुए कहता है, तो ऐसे परमात्मा, बल्कि हम यहां तुलना करें कि चलो हम उदाहरण यही इतना ही काफी है, तो उसमें क्या करते हैं कि वो उसको रौब से बोलता है और
ऐसे तो शिष्टाचार के नाते जी जी सर बोलता है। तो ऐसे कबीर परमात्मा जी वो पूर्ण ब्रह्म धर्मराज को कह रहा है, धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, यानी वहां पर उसको धिक्कारा, डांट मारी। धर्मराज के दरबार में कबीर परमात्मा ने जाकर डांट मारी, धिक्कारा उसको गरीबदास जी को ये दिखाने के लिए कि ये मेरे सामने इनका कोई अस्तित्व नहीं है। धर्मराज से कहा भगवान ने कि जिसने मेरा नाम ले रखा हो और वो किसी कारण से भटक गया हो, गुरुद्रोही ना हुआ हो, उसके लिए कहते उस भूले चूके हंस को भी तू पकड़िए मत कजाक। पुण्यात्माओं पर ये याद दिलाना चाहते हैं, मालिक बन जा भूल थरे थे। तो जब धर्मराज के दरबार में जाओ और वहां अकाउंट आपका हो है, तो आपको ये बात याद आओगे कि हमारे कबीर परमात्मा के भगत का अकाउंट धर्मराज या कोई नहीं ले सकता, वो पकड़ नहीं सकते हमारे को। तो वहां आप याद करोगे कि हम तो गलत आगे, हे भगवान हे परमात्मा, और आप कहोगे हम तो जी कबीर जी के शिष्य हैं, हम तो कबीर जी के अनुयायी हैं, आप हमारा अकाउंट नहीं ले सकते। तो कहते हैं उसके बारे में क्या कहा है। अब धर्मराज फिर क्या कहता है, परमात्मा आपके नाम लेने से पहले, आपकी शरण में आने से पहले ही ना बहुत से पाप इकट्ठे कर रखे होते हैं, तो वो मेरे पास इसके बैड अकाउंट में जमा होते हैं। और यहाँ का नियम है कि जैसे कर्म जो करेगा वो भोगने पड़ेंगे। तो जो इसने जो पाप कर रखे होंगे उस आपके हंस ने पहले, तो उनका तो भुगतान मैंने करवाना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते नहीं, कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। कहते उनको हमारे पास भेज दे, तो उसका लेखा जोखा मत करना। अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, भूले चुके हंस को तुम पकड़ो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस न पकड़ू नहीं मन दुआई लाख करोड़े। आपके हंस ने मैं नहीं चंपूंगा, मैं नहीं पकड़ के लाऊंगा। फिर क्या कहता है, मधारी जारी नरा जो भांग तमाखू खाई, पर दारा पर घर तक है जिनको लू अकनाही। धर्मराय विनती करे सुनियो पुरुष कबीर, जिनको निश्चय पकड़ हूं और जड़ हूं तोक जंजीर। चुंबक रूपी शब्द है ये लोहे रूपी जीव, पर्दे माही भेंट हूं दरस परस हो पीव। चुंबक हमरा रूप है ये लोहे रूपी प्राण, धर्मराय तेरी बंद से हम ले उड़े अचान। जाकट नौबत नाम की जाको पकड़े कौन, खाली को छोड़ू नहीं रीति जिनकी जोन। कर्मों से तीरत थे अब है जो शरण कबीर, जिनको निश्चय मार हूं और काढ़ू बल तकसीर। पहले किए सो बक्स हूं आगे करे ना कोई, कबीर कहे धर्मदास से नाम रटे मम जोई। कर्म भ्रम ब्रह्मंड क्या ये पल में करहूं नेश, नेश माने नष्ट कर दूंगा पल में। कर्म भ्रम इस ब्रह्मांड के मैं सब कैंसिल कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। कबीर परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश, जिन हमारी दोही दी सो करो हमारे पेश। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। साहेब पुरुष कबीर को जन्म लिया नी कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। त्रिलोकी का राज है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का ये वाणी ब्रह विदेश। ये गरीबदास जी ने आंखों देखा कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी और धर्मराज की वार्ता। इसमें क्या बताया है, अब धर्मराज कहता है भगवान जिसने पहले कर्म किए वो तो मैं भुगतवाने पड़ेंगे,
तो परमात्मा कहता है कि इन सब पापों का मैं नाश कर दूंगा और मेरा भक्त आगे गलती करेगा नहीं। तो फिर क्या बताते हैं, फिर आप कह है धर्मराज, जा घटनो बतनामे की जाकू पकड़े कौन, खाली को छोड़ू नहीं रीति जिनकी जून। के जिनके पास आप जी का नाम है उसके निकट कौन आ सकता है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता, और जिनके पास नाम नहीं है उनने तो छोड़ू नहीं, वो तो मैंने 84 लाख योनियों में डालने पड़ते हैं। अपुनात्मा किसके पास नाम है, जैसे आप जिन उपदेश ले लिया और मर्यादा में रहे नहीं तो आपके पास नाम नहीं रहा। पूरा नाम जब मर्यादा में रहते जो कमाई उसकी की वो कमाई कमाई रह गया, आगे नाम नहीं रहा। गुरु के दिल से उतरे वो नाम बेहू ना होवे, जाको काल घसीटे ही राख सके ना कोई। ये हो परमात्मा की गाइडलाइन जो हमने ध्यान रखने हैं। इन्होंने एक बार नाम ले लिया तो फिर पारे हो गया, नहीं। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यानी आखिरी सांस तक परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। गरीबदास साहब जी के पास बहुत से कुछ भक्त हो गए थे, आसपास के गांव के भी थे, तो गरीबदास साहब जी के पास वो गांव के व्यक्ति भक्त इकट्ठे होकर, कुछ भगत और कुछ बिना भगत। भगत तो साधना ये खेल ख्याल खेल या नहीं करते, तो आसपास के व्यक्ति आए कहन लगे गरीबदास जी के, काजा महाराज होली खेलेंगे, होली खेलेंगे, फाग खेलेंगे। गरीबदास जी बोले, भाई हम या नकली होली नहीं खेला करते, हम तो राम नाम की होली खेला करें, वह खेलनी होता जाए मेरे पास। तो क्या बताने लगे, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन स्थान राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। हम तो ये हमारा जो मन है अपने मन राजा को हम ऊपर ओली खिलाते हैं, ऊपर के लोक में ले जाते हैं, वहां की ओली से इसको परिचित करा दिया ऊपर के सुख से। अब यहाँ की नकली होली हम नहीं खेले। सतगुरु के सजदा करूं ये कर्म छुटाए कोटे, जो सतगुरु की निंदा करे फिर जम तोड़ेंगे ओठे। अब गरीबदास जी कहते हैं, हम ये कर्म नहीं करा करते, ये इस तरह की बकवाद, हमने सतगुरु पूर्ण मिल गए और अब हम उनकी मर्यादा में रहकर अपनी क्रियाएं सुचारू कर रहे हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पटन स्थान राम रंग होरी हो, चंद सूर की गम नहीं रंग होरी हो, नहीं जमी आसमान राम रंग होरी हो, परवीना परकाशिया रंग होरी हो, जिलमिल नूर जहूर राम रंग होरी हो। हम तो अपने उस मालिक के साथ होली खेलते हैं जिसका इतना सुंदर स्वरूप है, जिलमिल नूर जहूर राम रंग होरी हो, पुष्पों की वर्षा लगी रंग होरी हो, वहां बाजे अनहद तूर राम रंग होरी हो,
पांच पच्चीसों संग है रंग होरी हो, मन राजा प्रधान राम रंग होरी हो, बीड़ी घाटी साकरी रंग होरी हो, पावत नाही जान राम रंग होरी हो, तिल की ओट सुमेर है रंग होरी हो, सतगुरु सिंध समाव राम रंग होरी हो, झांखी पर्दा खुल गया रंग होरी हो, वहाँ खेल फगुआ जाय राम रंग होरी हो। कहते हमारे पति के बीच में उस जिसके साथ हमने होली खेलनी चाहिए थी उसके बीच का पर्दा हट गया और ईब हम वहाँ जा कर फागण खेल रहे हैं, आप तुम्हारी सोड़ी ने नहीं खेल सकते। झांखी पर्दा खुल गया रंग होरी हो, हम खेले फगुआ जाय राम रंग होरी हो, कालंदरी जमुना बह रंग होरी हो, मोहन कबीर भोपाल राम रंग होरी हो, मुरली मधुर धुन बाज ही रंग होरी हो, कंपे जोरा काल राम रंग होरी हो, ब्रह्मानंद धुन होत है रंग होरी हो, तन मन धन कुर्बान राम रंग होरी हो, बावर गुफा में आम खास रंग होरी हो, दुल्हा पुरुष दीवान राम रंग होरी हो, ऊंची दिशा ईशान कूट रंग होरी हो, कोई न पावे जान राम रंग होरी हो, उज्जवल पौल अगमपुरी रंग होरी हो, जहां कबीर पुरुष अमान राम रंग होरी हो, सुख सागर की लहर है रंग होरी हो, उठे अनंत तरंग राम रंग होरी हो, पलकों डोर हिलाई ये रंग होरी हो, ठाकुर का चैंडोल राम रंग होरी हो, नादी बादी बहु मिले रंग होरी हो, वह करें कलेजे छेक राम रंग होरी हो। गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि हम जो सतमार्ग पर लग रहे हैं इसमें वाद विवाद करने वाले बहुत मिलेंगे और इसी बेउदी बात कह देंगे, न्यू कालजे में छेक कर जा मारे, लेकिन हम उनकी बात में आवा को जा, इसलिए हम इस नकली रंग में नहीं रंगना चाहते। नादी बादी बहुत मिले रंग होरी हो, वो करें कलेजे छेक राम रंग होरी हो, ऐसा कोई ना मिले रंग होरी हो, ताहे लखे उर्द्रेख राम रंग होरी हो, सिंगल दीप की पद्मनी रंग होरी हो, मन ना चाहे ताही राम रंग होरी हो, जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। अपना आत्मा विचार करना, परमात्मा एक के कोड वर्डों बहुत गुड रहस्य छुपाया है कि उस परमात्मा को पाने के लिए हमने यह नकली होरी नहीं खेलनी और इसके अतिरिक्त हम और अन्य भी क्रियाएं करते हैं जो आउट ऑफ हमारी मर्यादा के होते हैं, तो वो मर्यादा हीन होना ऐसा है जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। अब आपको पता चल गया कि ये विष का एक कण पड़ा है, किर का, किर का कहें छोटी सी डली, और न्यू पता यू जहर है कहते कौन खावे इसने, ना पता है तो बालक मुंह में दे जाओ मरे जाया करे फिर। तो जब हमने ज्ञान हो गया कि हमारी अगर नियम टूट गया भक्ति समाप्त होगी और काल के फंसे रह जाएंगे, ये विष है हमारे लिए। मर्यादा को तोड़ना, नियम भंग करना, ये विष खाना है। अपनात्मा भक्ति कोई ज़्यादा कठिन नहीं, काल ने ये ऐसा उलझेड़ा उलझा दिया कि जो क्रियाएं हमने नहीं करनी चाहिए थी वो करवाने लग गए और पूरे समाज में वो समागी, जैसे विवाह शादी में कितनी बकवाद, फिर लेन देन के अंदर पता नहीं के सिस्टम चालू कर दिए।
फिर बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सुल्फा जो ना करने की चीज वह शुरू करवा दी। और इस भक्ति के लिए ये सारी व्यस्त है, इनको त्यागनी पड़ेंगी, आन उपासना नहीं करनी किसी और देव की, दास बताओ इसके अतिरिक्त। तो ये मर्यादा है। जैसे सीता को कहा गया था कि तू इस रेखा से बाहर ना जाना, अब रावण आया साधु वेश बना के, कहा माई भिक्षा दे। सीता जी बोली आ जाओ महाराज, ले जाओ कुटिया से। वो कुटिया की तरफ चला और रेख के पास पहुंचा, उसमें से अग्नि की लपट निकली, वो वापस हो गया और कहा ये भिक्षा देनी है तो यहां आकर दे जा। तो सीता ने सोची साधु संत है और के फर्क पड़े है, अभी लेकर आटा और अब डालती हूं, लेकर मर्यादा पार करके रेखा पार करके और आटा देने लगी, पकड़ ली बाड़े थे का रावण नरगेर ली पाछे हैं। अब उसकी तो जरा सी लागी नो कह है, नो सोची के फर्क पड़े है, वो बोड़ी बूझते नो कह गई इस तो बार मत लकड़िए। तो यहाँ वो अब वो मर्यादा भंग करी सीता ने, उसकी के दुर्गति हुई, वहाँ बिरान मट्टी हुई, इतनी सताई वहाँ पर उस दुष्ट रावण ने, लाखों को आदमी मर गए उसको छुटवाने में। तो पुणात्माओं जैसे माता गर्भ को रख है यत्न बनाए, ठेस लगे त छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। समझा है तो सरदर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दाओ, बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।